नमस्कार, मैं रितेश कुमार आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज के इस वीडियो में आपको पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कुछ जानकारियां देने वाला हूं। तो जैसे कि हमने पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं। अगर कुछ उसमें आपको समझ नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो आज के ये वीडियो में कुछ खास जानकारी है जो आप सभी आंगनबाड़ी बहनें देखेंगी कि क्या नया अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और हर बार की तरह आप लोग इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे इसमें कुछ खास अपडेट नहीं है, बट आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा जो पोषण ट्रैकर ऐप में पहले नहीं था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अपडेट है वो 8.4 का ही अपडेट है। जैसे कि मैंने आपको 8.4 अपडेट के बारे में भी आपको इसकी जानकारी दी थी कि 8.4 में क्या अपडेट आया है। जैसे कि जो उसमें रिसोर्सेज पेज का ऑप्शन था उसको अपडेट किया गया था, और इसमें कुछ माइनर बग फिक्सेस हैं जो कि कुछ त्रुटियां हैं उसको धीरे धीरे पोषण ट्रैकर ऐप में सुधार किया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप में क्या कुछ नया आया है। फिलहाल मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन हो जाता हूं। ये तो आप सभी को मालूम ही है कैसे लॉगिन होना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कुछ नया। जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो होम पेज है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये अपडेट है 8.4 का ही। जैसे कि आप प्ले स्टोर में जाएँगे वहाँ पर भी जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये अपडेट उसी में से कुछ जो त्रुटियां हैं उसकी सुधार की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे सभी चीज़ें जो इंग्लिश में थी उसको हिंदी में कर दिया गया है आपके आसानी के लिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे कि अब यहाँ पे जो लाभार्थी पंजीकरण है उसको देखेंगे कि उसमें क्या नया है, और जो घर का दौरा करने के लिए शेड्यूल बनाना है उसमें क्या नया है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका समय बहुत ही कीमती है। चलिए फटाक से आपको बता देते हैं कि क्या कुछ नया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन को ओपन किया, ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपके मॉड्यूल दिखेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो बच्चे वाली कैटेगरी है इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मिलेगी जो मेल फीमेल का है, तो उसको भी मैं बताऊँगा कि कैसा कन्फ्यूज़न है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो गर्भवती महिला का जो ऑप्शन है उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गर्भावस्था का महीना, यानी कि यहाँ पे 5 महीने 3 महीने, यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, बट इसको थोड़ा सा अपडेट करके यहाँ पे जो लिखा गया है हिंदी में उसको यहाँ पर अपडेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ इंग्लिश में था उसको ही सिर्फ हिंदी किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो गर्भवती महिला वाले लिस्ट है यहाँ पे सभी में मॉड्यूल में ऐसे देखने को मिलेगा कि जो चीज़ इंग्लिश में दिखा रहा था उसको हिंदी में कर दिया गया है, ताकि आंगनबाड़ी बहनों को थोड़ी सी इसमें मदद मिले समझने में। चलिए फिर हम स्तनपान कराने वाली महिलाओं की बात करते हैं। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जो सूची है उसमें भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे ही जो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे जो नाम अपडेट वगैरह करने का जो इंग्लिश में था सिर्फ उसको ही हिंदी में किया गया है। अब चलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे कुछ गलत है जो कि अपडेट आ चुका है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो अभिराज कुमार जो लड़के का नाम है तो हमने यहाँ पर मेल डाला है, लेकिन इसका जो हिंदी है वो यहाँ पर स्त्री दिखा रहा है, यानी यहाँ पे पुरुष होना चाहिए। तो ये अभिराज कुमार का जो है जो जेंडर है उसको स्त्री लिख के आया है। ये थोड़ी सी अटपटा है, आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन समझिएगा ये अपडेट बाद में सुधर भी सकती है। अभी ये फ़िलहाल अपडेट आया है, और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए ये प्रिया कुमारी जिसका नाम है हमने इसका जो जेंडर है वो फीमेल डाला है, बट इसका जो हिंदी में उसको अपडेट किया गया है वो पुरुष, यानी कि लड़कियों का जो जेंडर है उसको पुरुष कर दिया गया है, और जो लड़कों का जेंडर है उसको यहाँ पे स्त्री कर दिया गया है। बट आप लोगों को इसका अपडेट भी मिल जाएगा, यानी इसका भी सुधार हो जाएगा। ये बाय फॉल्ट किसी भी कारण अपडेट किया गया होगा। तो इस प्रकार की जो अपडेट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा,
उसके बाद ये जो एरो वाला निशान आप लोग देख रहे हैं बच्चों में, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे कि जो इंग्लिश में अपडेट किया गया था उसको भी हिंदी कर दिया गया है। जैसे कि सेहत का जो ऑप्शन देख रहे हैं, हेल्थ स्टेटस जो है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है सेहत की स्थिति, जन्म के दौरान बच्चे की लंबाई, जन्म के दौरान बच्चे का वजन, किस दिन को अपडेट किया गया, तो इस प्रकार की जो नई अपडेट है उसमें आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे हैं उसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जेंडर है उसमें थोड़ी सी जो गड़बड़ी है यहाँ पे जल्द ही सुधार कर दिया जाएगा। जो बच्चे हैं उनका जेंडर चेंज हो चुका है, मतलब केवल यहाँ पे उसका मीनिंग हिंदी में चेंज हो चुका है, लेकिन इंग्लिश वाला जो है वो सेम ही है जो हमने डाला है, बच्चों का जो मेल फीमेल है। उसके बाद जो यहाँ पे एरो का निशान देखेंगे तो इसमें भी वो अपडेट है यहाँ पे सेहत की स्थिति, ऊंचाई, वजन, जो इस प्रकार से हमको भरना होता है। उसके बाद सभी बच्चों में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, जो भी मॉड्यूल में बच्चे हैं 3 से 6 साल या फिर 0 से लेकर 6 साल तक, सभी में इस प्रकार के ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे घर का दौरा यानी होम विजिट का जो ऑप्शन है इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिंदी में देखने को मिलेगी। जैसे गर्भवती महिला का हमने लिस्ट ओपन किया तो यहाँ पे देखिए आज तक के लिए लागू, आगामी, देर, यानी अपकमिंग के जगह पे यहाँ आगामी लिख दिया गया है, टुडे अपडेट के लिए यहाँ पे आज तक के लिए लागू किया गया है, और यहाँ पे जो लेट वाला ऑप्शन है उसको देर यानी हिंदी वर्जन यहाँ पे अपडेट आया है। और यहाँ पे आगामी वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आने की तारीख यानी कि आने वाला जो तारीख है उसका यहाँ पे हिंदी में अपडेट आया है, और होम विजिट करने में आपको दिक्कत ना हो, आप लोग आसानी से होम विजिट कर लेंगे। तो सभी मॉड्यूल में ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा, जो भी मॉड्यूल आप ओपन करेंगे सभी में हिंदी वर्जन को थोड़ा बहुत अपडेट किया गया है। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, और भी इसमें कुछ नया अपडेट आता है तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।